गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स टुडे इन मैथ सब्जेक्ट फ्रॉम प्राइमरी मैथमेटिक्स बुक वी आर गोइंग टू स्टडी टाइम व्हाट इज द टाइम व्हाट इज द टाइम समय क्या है सी द पिक्चर्स एंड टिक द राइट आंसर यहाँ पर कुछ पिक्चर्स दिए हुए हैं इसको ध्यान से देखना है और इसके आंसर को टिक करना है यहाँ पर सन देख रहे हैं यहाँ कटन देख रहे हैं यहाँ पर एक लड़का है वो सोकर उठ रहा है ये नाइट है या मॉर्निंग है इसको देखने से क्या पता चल रहा है इसको देखने के प से पता चल रहा है ये मॉर्निंग टाइम है क्योंकि सन दिखलाई दे रहा है तो हम लोग इसको टिक करेंगे और ये लड़का स्कूल से आया है अभी स्कूल ड्रेस ही पहना हुआ है और यहाँ अपना बुक रखा है और यहाँ वाटर बॉटल है और ये अपना लंच ले रहा है इसलिए इसे पता चलता है कि ये आफ्टरनून है नाइट नहीं है तो हम लोग आफ्टरनून को टिक कर देंगे और उसके बाद ये आता है थर्ड पिक्चर थर्ड पिक्चर में हम लोग क्या देख रहे हैं थर्ड पिक्चर में देख रहे हैं कि एक लड़का पढ़ रहा है और एक लड़की है वो टेलीविजन देख रही है तो टेलीविजन को वो ध्यान से देख रही है और ये बुक को ध्यान से पढ़ रहा है और इसमें हम लोगों को क्या फैसला करना है ये इवनिंग है या मॉर्निंग इवनिंग टाइम में ही हम लोग टीवी देखते हैं और बहुत लोग पढ़ते भी हैं तो इवनिंग हमारा पढ़ने का समय है और एंटरटेनमेंट का भी समय है इसलिए ये इवनिंग ही होगा मॉर्निंग ये नहीं हो सकता यहाँ पे हम लोग इवनिंग को टिक करेंगे और नेक्स्ट है ये अंधेरी रात है यहाँ पे मून है और ये लड़का पूरे नींद में सो रहा है साउंड स्लीप तो ये इवनिंग और नाइट में से क्या हो सकता है ये नाइट है तो यहाँ पे हम लोग नाइट लिख देंगे नाइट को टिक करेंगे तो समझ में आ गया पिक्चर क्या दिखलाता है अब हम लोग पेज हंड्रेड तो कर लिए अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट पेज में टेलिंग टाइम पढ़ेंगे घड़ी देखना समझेंगे घड़ी का क्या इम्पोर्टेंस है वो समझेंगे और घड़ी में कितने हैंड होते हैं उस हैंड का क्या महत्व है वो देखेंगे तो अस सी द नेक्स्ट पेज वन हंड्रेड एंड वन टेलिंग टाइम समय बताना है ये क्लॉक है इसे क्या कहते हैं क्लॉक कहते हैं और इसे ही हम टाइम देखते हैं ये क्लॉक हमें समय बताता है और हम लोग देख रहे हैं कि ये क्लॉक का जो फेस है ये क्या दिखलाता है ये सबसे पहले ये नंबर्स दिखलाता है ट्वेल्व नंबर्स वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन इलेवन ट्वेल्व ये ट्वेल्व नंबर्स दिखाता है इसमें एक लॉन्ग हैंड है और एक शॉर्ट हैंड है ये जो लॉन्ग हैंड है इसे मिनट्स हैंड कहते हैं और जो शॉर्ट हैंड है उसे आवर्स हैंड कहते हैं तो अब हम लोग लेसन को पढ़ना शुरू करते हैं उसमें क्या है अ क्लॉक टेल्स अस द टाइम घड़ी हमें समय बताता है द फेस ऑफ द क्लॉक हैज 12 नंबर्स घड़ी के जो फेस होते हैं वो 12 नंबर्स को बताते हैं द लॉन्ग हैंड इज द मिनट्स हैंड जो लंबी सुई है वे मिनट का सुई है द शॉर्ट हैंड इज जो छोटी सुई है, वे घंटे का सुई है आर्स हैंड उसको बोलते हैं उससे घंटा पता चलता है कि आठ बज गए हैं तो इस क्लॉक में एट ओ क्लॉक हो रहे हैं ये हम लोग कैसे समझे आइए यहाँ पढ़ते हैं तो कुछ और क्लियर हो जाएगा हियर द लॉन्ग हैंड पॉइंट टूअर्ड्स ट्वेल्व एंड द शॉर्ट हैंड पॉइंट्स टूअर्ड्स एट सो द टाइम इज एट ओ क्लॉक यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि जो छोटी सुई है वो एट को पॉइंट करती है और जो लंबी सुई है वह ट्वेल्व को पॉइंट करती है तो ये एट ओ क्लाक है ये कितना है एट ओ क्लाक है तो समझ में आ गया बच्चों बच्चों हम लोग आगे देखते हैं see how the hands move. हम लोग ये देखेंगे कि hands कैसे धीरे-धीरे करता और समय देखना हम कैसे सीखते हैं बच्चों हम लोग ये तो देख लिए कि घड़ी में दो हैंड होते एक आवर हैंड होते हैं और एक मिनट हैंड होते हैं तो यहाँ पर छोटी सुई हम लोग देख रहे हैं कि थ्री पर है ये आवर हैंड जो है वो थ्री पर है तो हम लोग क्या समझेंगे जब ये आवर हैंड थ्री पर रहेगा तो हम लोग मिनट हैंड को देखेंगे मिनट हैंड कहाँ पर है मिनट हैंड ट्वेल्व पर है तो हम लोग समझ गए कि पूरे तीन बजा है इट इज थ्री ओ क्लॉक थ्री ओ क्लॉक क्यों हो रहा है क्योंकि मिनट हैंड ट्वेल्व पर है और आवर हैंड थ्री को दिखा रहा है ठीक इसी तरह दूसरे घड़ी को देखते हैं हम लोग यहाँ पर दो सुइया हैं ये छोटी सुई सेवन पर है ये आवर हैंड कहलाते है ये सेवन पर है और मिनट हैंड ट्वेल्व पर है तो यहाँ पूरे कितने बज रहे हैं यहाँ पर इट इज सेवन ओ क्लॉक यहाँ पर सात बज रहे हैं अब ठीक इसी तरह हम लोग थर्ड क्लॉक को देखते हैं थर्ड क्लॉक के छोटी सुई दस पर है और बड़ी सुई बारह पर है यानी पूरे दस बज रहे हैं। आवर हैंड को ही देखते हैं, क्या ये पूरा दस पर है हाँ, ये पूरा दस पर है क्या ये सुई पूरे एक घंटे चलकर ट्वेल्व पर पहुंच गई है तो हाँ, तो इट इज टेन ओ क्लॉक यहाँ पर पूरे दस बज रहे हैं, इट इज टेन ओ क्लॉक अब ये बताइए बच्चों यहाँ कितने बज रहे हैं यहाँ पे दोनों आवर हैंड और मिनट हैंड दोनों ट्वेल्व पर हैं यहाँ ये है आवर हैंड और ये ये है मिनट हैंड सो इट इज ट्वेल्व ओ क्लॉक नाउ बच्चों आप लोगों का पेज वन हंड्रेड वन यहीं पर ख़त्म हुआ पेज नंबर वन हंड्रेड टू हम लोग अगले क्लास में पढ़ेंगे आपका होमवर्क क्या है आपका होमवर्क है पेज हंड्रेड टाइम वॉट इज द टाइम ये आप लोगों को करना है पेज हंड्रेड जैसे टिक करने बताए थे उस तरह से समझ करके टिक करना है और एक और आपका होमवर्क है ये है मैथ्स में टाइम ड्रॉ टू क्लॉक्स शोइंग द टाइम फोर ओ क्लॉक एंड एट ओ क्लॉक इसमें दो घड़ी आप लोगों को बनाना है घड़ी आप समझिए कैसे बनाया जाता है उसके फेस पर ट्वेल्व नंबर लिखा रहता है और उसके दो हैंड होते हैं मिनट हैंड्स और आवर हैंड तो आप लोगों को दोनों घड़ियों में नंबर सारे डालने हैं और दोनों हैंड दिखाना है एक में चार बनना चाहिए और दूसरे में आठ बनना चाहिए तो ये क्लियर है बच्चों आप लोगों को ये जो लिखा हुआ है वो ये बहुत इजी सेंटेंस में लिखा हुआ है आप ज़रूर समझ जाएंगे और बनाकर भेजेंगे तो ये मैथ्स होमवर्क है थैंक यू